तो हेलो एवरीवन, तो आप अगर रियलमी के फोन में लॉक लगाकर पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक भूल गए हो और आपसे रियलमी का फोन अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप घर बैठे अपने रियलमी में लगे हुए लॉक स्क्रीन पासवर्ड पिन पैटर्न को अनलॉक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। यदि आपका रियलमी का कोई भी मॉडल में लॉक लग चुका है और आप परेशान हो गए हो, आपसे फोन अनलॉक नहीं हो पा रहा है, आपका डाटा डिलीट नहीं हो, आप हमारे वीडियो पे आए हो, हम इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप घर बैठे आसानी से अपने फोन को अनलॉक करना सीख जाओगे और आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। कैसे करेंगे, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ऐसे न्यू वीडियो एंड न्यू ट्रिक आप सभी के लिए मैं यूट्यूब पर अक्सर लाता रहूं। तो फ्रेंड, यदि आप रियलमी का कोई भी मॉडल यूज करते हो, चाहे आपके फ़ोन में पासवर्ड लॉक हो, पिन लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, अनदर कोई भी लॉक हो, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को ऑफलाइन मोड में लेके जाना होगा, ठीक है। यदि आपके फ़ोन में सिम कार्ड लगा होगा तो आप सिम कार्ड को निकाल भी सकते हो, नहीं तो एयरप्लेन मोड के ऑप्शन को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाओगे, आपको यहाँ पे इमरजेंसी SOS का ऑप्शन दिखेगा। इमरजेंसी SOS के ऑप्शन को ओपन करना है, ये ग्रीन कलर का डायल पैड को भी ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे FRP कोड दिया जाएगा, जो कि आपका FRP अनलॉक होगा, ठीक है। तो इस कोड के माध्यम से आपका FRP अनलॉक होगा, तो फटाफट इस कोड को अपने फ़ोन में डायल कर लीजिएगा और ध्यान से मिला लीजिएगा कि आपका कोई अंग छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड देन इस कोड को डायल करने के बाद हमें क्या करना है, तो एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। ये कॉल वाला ऑप्शन देख रहे हो, कॉल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इस कोड को हटा लीजिएगा तो आपका FRP अनलॉकिंग कोड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपके फ़ोन में डाटा रिकवर कोड को डायल करना है, जिससे आपके फ़ोन में कोई भी इमेज हो, वीडियो हो, फाइल हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, या जीमेल हो, या अनदर एप्लीकेशन हो, ये सारा चीज़ आपको रिकवर कर देगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फिर से यहाँ पे आपको दो बार कॉल करके यहाँ पे ओके दो बार करना है एंड देन इस कोड को हटा लेना है। फिर हम होम पेज को ओपन कर देंगे, यानी कि होम डायल को क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पे आ जाएंगे। अब हमें फिर से इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन करना है, डायल पैड को ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ पे हार्ड रीसेट कोड यूज करना है, *899#। ये कोड को डायल करने के बाद आप या आफ्टर सेल पेज पे आ जाओगे या फिर इंजीनियर मोड के फाइल पे। आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन है, ठीक है। आपको वही ऑप्शन यूज करना है जिससे आपका हैंडसेट अनलॉक हो सके। आपको मैनुअल टेस्ट के ऑप्शन को ओपन करना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, अदर्स पे। अदर्स पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको रीडिंग रीसेट कम्प्लीट इंजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। आपका ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो पास हो चुका है। इसके बाद इसे बैक करके रीड दैट इम्पोर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे बस हार्ड रीसेट कोड यूज कर लेना है, *899#। इस कोड को आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, कॉल कट कॉपी शेयर एंड देन 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज पे क्लिक करेंगे आपका एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा। बस होम वाले बटन को क्लिक करेंगे आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। रियलमी का चाहे कोई भी मॉडल क्यों ना हो, आप घर बैठे अपने फोन को अनलॉक करना सीख जाओगे। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।